अमेरिका ने अपनी वीजा पॉलिसी विच कुछ तब्दीली की है। इस तब्दीली नाल H-1B वीजा धारकों नूं वड्डा फायदा होगा। जानकारी मुताबक US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसिज वालों जारी की अपनी नवी नीति अपडेट नाल अमेरिका विच गैर प्रवासी वीजा धारकों के बच्चों नूं F-1 विद्यार्थियों वीजा विच तब्दील करना सौखा हो जाएगा, जिस नाल अमेरिका विच हजारां H-1B वीजा धारकों के बच्चों नूं फायदा होगा। पिछली नीति के तहत बिनेकारा नूं सिक्ख्या प्रोग्राम की शुरुआत की मिति तो 30 दिन पहला स्थिति बनाई रखने की जरूरत होंदी सी, जिस लई उन्हां नूं मल्टीपल वीजा एक्सटेंशन दायर करने की जरूरत होंदी सी, तां जो यकीनी किया जा सके कि उन्हां दी पढ़ाई विच गैप नहीं है। इस गैप तो बचने लई USCIS उस दिन तो F-1 नूं प्रभावी ढंग नाल तब्दीली की आग्या देवेगा, जिस दिन बिनेकारा के फार्म I-539 गैर प्रवासी स्थिति बधाउण बदलण की मंजूरी देणगे। नीति अपडेट विच कहा गया है कि जेकर USCIS विद्यार्थियों के प्रोग्राम शुरू होने की मिति तो 30 दिन पहला किसी अर्जी को मंजूरी दिंदी है तो विद्यार्थियों को लाजमी तौर पर यह यकीनी करना होगा कि उस समय दौरान वो अपने F-1 स्थिति की उलंघना नहीं करेगा। एक कदम दोवां बिनेकारा USCIS लई खर्चियां लई अते काम दे भार नूं घटाउण की उम्मीद है।